राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपको भली भांति परिचित है कि मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसपे अगर हम दान करते हैं, पूरे साल में केवल एक यही त्योहार है जिसपे अगर हम दान करते हैं तो उस दान का 100 गुना करके सूर्य भगवान हमें वापस देते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मकर संक्रांति पे मुझे दान दो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मकर संक्रांति पे जाके किसी मंदिर में दान दो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मकर संक्रांति पे जाके किसी ब्राह्मण को दान दो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि जिसको जरूरत ना हो आप मकर संक्रांति पे उसको दान दो। आप मकर संक्रांति पे दान कर सकते हैं तो उनको जिनको इनकी सच्ची में आवश्यकता है, आप उन लोगों को दान कीजिए जो दान लेने के बाद आपकी निंदा ना करे। और एक बात और, दान देने के बाद आपको इस बारे में सोचना नहीं है कि मैंने इसको इतना दे दिया वो दान, हाँ जी, और दान देने के बाद आपको सोचना नहीं है कि हाय मैंने तो इतना दान दे दिया। उसको दान मत दीजिए जो आपकी निंदा करे, उसको दान मत दीजिए जो बाद में आपको दान देने के बाद कहे कि हाय मेरे को ऐसी क्वालिटी की चीजें देखी चली गई, ये फलाना ढिकाना। तो दान उसको दीजिए जो मन से उसको एक्सेप्ट करे, दान उसको दीजिए जो दान का सही उपयोग समझ सके। ये नहीं कि भैया ये कैसा सूट है या फिर ये कैसी मिठाई है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अपनी राशि के हिसाब से किसको दान करना है। आपकी 12 राशियां होती हैं, आपकी, हमारी, हर किसी की एक एक राशि होती है। पहले तो बता दूं, अगर आपको आपकी राशि कंफर्म नहीं है कि आपको राशि कौन सी है, तो जो नाम से आप जाने जाते हो उसके पहले अक्षर से जो राशि बनती है वही आपकी राशि मानी जाती है, ठीक है? क्योंकि वही राशि हमारे पीछे चलती है जिस नाम से हमारा संबोधन होता है। जैसे कि मैं, मेरा नाम आशु है और मेरे ही नाम से मेरी मेष राशि बनती है, जबकि मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरी मिथुन राशि बनती है। लेकिन मैं हमेशा अपनी मेष राशि के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नाम मेरी राशि के अकॉर्डिंग चल रहा है, अर्थात मेरा को लोग आशु के नाम से बुलाते हैं, अर्थात मेरी मेष राशि ही हर जगह काम आती है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अपनी राशि के हिसाब से क्या क्या दान करना चाहिए, क्या क्या दान नहीं करना चाहिए मकर संक्रांति पे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि के लोगों के लिए। जो मेष राशि के लोग हैं, जैसे कि मैं, जो भी आज से आते हैं, तो मेष राशि के लोगों को इस दिन गुड़ दान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। गुड़, तिल का दान और गुड़ से बनी जितनी भी चीजें होती हैं, इसकी चिक्की हो गई, गुड़ की मूंगफली हो गई, तो ये चीजें आप जरूर डोनेट कीजिए। जो भी निर्धन व्यक्ति है उनको दान दीजिए। बता दे रही हूँ मैं आपको पहले भी कि जो भी निर्धन व्यक्ति है उन्हीं को दान दीजिए और जो आपके दान की कदर करे उनको। तो गुड़ और तिल से बनी चीजें इस दिन मेष राशि वालों को जरूर दान करनी चाहिए। नंबर दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए सफेद कपड़े और सफेद तिल का दान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी वृषभ राशि के लोग हैं इस दिन सफेद रंग का आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। सफेद रंग का कोई रुमाल, अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो एक रुमाल सफेद रंग का ले लीजिए, नहीं तो सफेद रंग की कोई आप धोती ले लीजिए, नहीं तो सफेद रंग की कोई आप लुंगी ले लीजिए, जो आप अपने इन-लॉज को भी दे सकते हैं, जो आप अपने फादर को भी दे सकते हैं, जो मान्य है उनको भी दे सकते हैं, ठीक है? नहीं तो सफेद रंग का कुछ भी नहीं कर सकते तो सफेद रंग का एक रुमाल 10-20 रुपए का आप ले लीजिए। आप सफेद रंग का रुमाल और तिल का दान अवश्य कीजिए। तीसरी जो राशि आती है वो है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के लोगों को इसमें मूंग दाल, चावल और कंबल का दान अत्यंत आवश्यक है और बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कर्क राशि वालों को इस दिन चावल और सफेद वस्त्र का दान करना है। ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के चावल ले रहे हैं, जितना आप में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना आप में सामर्थ्य है, अगर आप 10 रुपए कमाते हो तो आप सोचिए कि उसमें से 1 या 2 रुपए का आप दान कर दो, वो अलग ही निकाल के रखिए डोनेट करने के लिए। मैंने बोला ना कि इस दिन आप जो भी दान करोगे तो सूर्य भगवान आपको 10 गुना 100 गुना ज्यादा करके रिटर्न करेंगे। तो खुले दिल से दान कीजिए और अच्छे से दान कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली राशि की तरफ। सिंह राशि वाले दिन, राशि वाले जो लोग हैं, इस दिन तांबे या सोने की वस्तु दान कर सकते हैं। सोना तो भैया 50,000 से पार हो रहा है, तो आप नाक की एक लॉन्ग, अगर आप में कैपेसिटी है तो अपनी नंद को या सास को या फिर जो भी किसी को भी दे सकते हैं, जिठानी को भी दे सकते हैं, जिठानी दौरानी को भी दे सकती है या फिर अपनी काम वाली को, वट एवर किसी को भी आप दे सकते हैं। अगर आप सोना नहीं दे सकते हैं तो
एक बार मैंने गुरुजी से पूछा था कि भैया सोना नहीं दे सकते तो हम क्या करें, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि जो चने की दाल होती है उसमें नाक की एक छोटी सी लौंग डाल लो या फिर सोने की इतनी छोटी सी पत्ती डाल लो और वो एक किलो चने की दाल आप किसी को दान कर दो, वो एक किलो सोने के बराबर ही मानी जाती है। तो अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो तांबे का एक छोटा सा दिया ले लो, तांबे का एक छोटा सा लोटा ले लो, तो आप वो दान कीजिए। सिंह राशि वाले बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि में माता जी की नाम है, तो माता जी का नाम पुष्पा है और उनकी राशि कन्या, तो कन्या राशि वाले दिन इसमें हरे मूंग या हरे कपड़े का दान करें और चावल का दान, इसमें हर राशि में चावल का दान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर जो कन्या राशि वाले लोग हैं इस दिन वो चावल का, हरे मूंग का और हरे कपड़े का दान करें, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट राशि जो है वो है तुला राशि, चीनी या कंबल का दान कीजिए इस दिन। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो मूंग, लाल कपड़ा, काले तिल का दान करें। धनु राशि की बात कर देते हैं, तो धनु राशि वाले लोग इस दिन चावल, तिल और गुड़ का दान करें। अब हम अगली राशि पे आते हैं जो कि है मकर राशि। मकर राशि के जो लोग होते हैं वो इस दिन गुड़, चावल, तिल का दान कर सकते हैं। कुंभ राशि के लोग, जो कुंभ राशि है जैसे कि मेरे हस्बैंड की कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के लोग काले कपड़े दान कर सकते हैं, काली उड़द दाल कर सकते हैं, खिचड़ी दाल दान कर सकते हैं और तिल का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और अंतिम राशि की तरफ चलते हैं, जो अंतिम राशि है वो है मीन राशि। इस दिन हमें मीन राशि वालों को रेशमी जो कपड़ा होता है जैसे कि रेशमी रुमाल हो गया, आप रेशमी साड़ी हो गई, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रेशमी कपड़ा, चने की दाल, चावल और तिल का दान अवश्य करें। देखिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि दान करते समय आपकी आंखें नीची होनी चाहिए, दान करने के बाद हाथ जरूर जोड़िए, ये हमें बताया है। मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगी, आज ही बना दूंगी, और वीडियो बनाने के बाद मैं इस वीडियो के एंड ऑफ स्क्रीन पे वो वीडियो लगा दूंगी कि दान करने के बाद आपको करना कैसा चाहिए और दान करने से पहले आपको क्या संकल्प लेना है, दान करने के बाद आपको कैसा रिएक्ट करना है, अर्थात दान करने के बाद आपको हाथ जोड़ने हैं, उसके बाद क्या बोलना है, आंखें कैसी रखनी है, तभी वो दान ऊपर वो लोग तो एक्सेप्ट कर लेंगे जिनको आपने दे दिया, ऊपर कब लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा वो, और दान करने का सही तरीका कैसे होता है और दान कैसे किया जाता है, इसके बारे में जल्दी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा।